नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2022 के लिए कॉलेज चॉइस प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में आप सभी को थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करनी है, गलती आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कॉलेज चॉइस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर आपको कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसलिए कॉलेज चॉइस जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो आप सभी को यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सभी अगर कॉलेज चॉइस में गलती करते हैं तो कॉलेज आवंटन होने में आपको समस्या होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे कॉलेज चॉइस करने से पहले आपको किन किन बातों को ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या ऐसी काम है जो आपको अभी करना है, इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावे आपका कितना रैंक तक है तो आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चॉइस करेंगे, कितना रैंक तक है तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को चॉइस करेंगे, और कितना रैंक है आपका तो केवल प्राइवेट कॉलेज को ही चॉइस करेंगे, वो चीज़ें हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि कॉलेज चॉइस कैसे करना है इसको समझने में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को इससे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, आशा करते हैं आप सभी से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कि कॉलेज चॉइस जो होना है इसके लिए क्या क्या स्टेप से आप सभी को गुजरना होगा, क्या क्या ऐसी सावधानियां है, वो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जो अभी कॉलेज चॉइस होना है इसके लिए जो स्टेप है पहला, वो है आपका लॉगिन करके आपको जो है क्या करना है, कॉलेज चॉइस करना है। लॉगिन करने के लिए आप सभी को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है। आप सभी को पता है फॉर्म भरते समय ही आप सभी को एप्लीकेशन नंबर मिल गया था, आपको पासवर्ड मिल गया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड से, इसके बाद आपको कॉलेज चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो डायरेक्ट आपको कॉलेज चॉइस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कुछ आपको नेक्स्ट बढ़ना होगा। नेक्स्ट बढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा आपका नाम, आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका स्कोर मार्क्स, आपका रैंक कितना है, उसके बाद जो है आपको दिखाई देगा ऐड कॉलेज का, ठीक है, ऐड कॉलेज का ऑप्शन दिखाई देगा। सारी डिटेल आपको यहां पर दिखाई देगा अपना, उसके बाद ऐड कॉलेज का ऑप्शन होगा। आपको क्या करना है, ऐड कॉलेज पर क्लिक करना है। ऐड कॉलेज आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस करना चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज को चॉइस करना चाहते हैं। दोनों का सिंबल अलग अलग होगा, कोई ग्रीन में होगा, कोई येलो में होगा, या फिर येलो में होगा तो ग्रीन में, रेड में, मतलब दो कलर होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कॉलेज गवर्नमेंट है और ये कॉलेज प्राइवेट है। इसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करना है बारी बारी से। हो सकता है यहाँ पर मैक्सिमम आपको 20 कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन मिले, या फिर हो सकता है कि सभी कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन मिले। जैसे ही कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन खुलता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी कॉलेज चॉइस करेंगे। अगर मान लीजिए कि 20 कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन देता है तो आपके लिए यहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है, कैसे वो चीज़ें हम आपको समझाएँगे। तो आप सभी जो है ऐड कॉलेज, ऐड कॉलेज, ऐड कॉलेज करेंगे, आपको कॉलेज का नाम दिखाई देगा, कॉलेज का कोड दिखाई देगा, और गवर्नमेंट है या प्राइवेट वो चीज़ें दिखाई देगा। तो आप सर्च भी करके देख लेंगे कि हमको ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज हमें को ऐड करना है, तो उसकी सूची पहले से हम तैयार करके रखेंगे। कैसे तैयार करना है, किस आधार पर आपको ये काम पहले से करके रखना है, वो चीज़ें हम आपको आगे बताएँगे अभी इस वीडियो में। इसके बाद आपको कॉलेज चॉइस जैसे हो जाता है, ऐड कर लेते हैं, तब आपको क्या करना है, कॉलेज चॉइस जो किए हैं इसको सबमिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ प्रिंट आउट कर लेना है, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो फाइनल सबमिट आपका तब होगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर जो है आपको एससी को, एसटी को और दिव्यांग कैंडिडेट को कहें या फिर पीएच कैंडिडेट को कहें तो ₹350 लगेगा। बाकी कैंडिडेट जनरल हो या ओबीसी हो, इनको जो है ₹500 लगेगा। किसके लिए,
यहाँ पर जो कॉलेज चॉइस सबमिट करेंगे काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको ये रुपया पेमेंट करना होगा, तभी जो है सक्सेसफुली आपका कॉलेज चॉइस होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है आपका। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है रिसिप्ट का, जिससे कि आपको काउंसलिंग में भी ये काम आएगा और ये भी PDF जो है आपको काउंसलिंग में काम आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप सभी को सुरक्षित रख लेना है। अब दोस्तों समझते हैं कि कॉलेज जो चॉइस करेंगे तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे और कॉलेज चॉइस करने के लिए बैठ जाएंगे तो इतना रखिए कि आपको जो है बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सभी को इसकी तैयारी पहले से करनी है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे जो है इसकी तैयारी हम पहले से करके रखेंगे। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि कॉलेज की सूची कैसे तैयार करेंगे और कितना रैंक तक है तो हमको कितना गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना है, कितना प्राइवेट चॉइस करना है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपके जो नज़दीकी एरिया के यानी कि आपके एरिया के आपके आसपास के जो कॉलेज हैं उसकी सूची तैयार करेंगे। लगभग जो है 15 से 20 कॉलेजों की सूची तैयार करेंगे जो आपके एरिया के होगा या आपके बगल के ज़िले का होगा, जहां से आपको सुविधाजनक हो उस तरीके से आपको क्या करना है, कॉलेजों की सूची तैयार करना है। 15 से 20 कॉलेज को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एड्रेस लिखना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो चीज़ें मेंशन करना है, उसके बाद टोटल कितना सीट है उस कॉलेज में ये चीज़ें आपको नोट करके लिखना है, लिख लेना है, जिससे कि कॉलेज चॉइस करते समय आपको आसानी हो। अब दोस्तों समझते हैं कि जब आपने कॉलेज को चॉइस कर लिया कि मेरे एरिया में इतना गवर्नमेंट है इतना प्राइवेट है, तो इस तरीके से अब आगे का क्या स्टेप होगा उसको समझते हैं। कितना गवर्नमेंट कॉलेज को हम चॉइस करेंगे और कितना प्राइवेट कॉलेज को चॉइस में डालेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस पर हम बहुत ज़्यादा मंथन किए हैं तब हम आप सभी को ये चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप जो है इस तरीके से बोलिएगा कॉलेज चॉइस करने के लिए, कहीं जो है कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, तो आप ही के ऊपर हम थोपेंगे, तो आप ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो चांस ज़्यादा होगा कि आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गारंटी अलॉट होगा, यहाँ पर हम परसेंटेज लिखे हुए हैं कितना परसेंट तक चांस आपका बनेगा कि कॉलेज अलॉट हो सकता है, संभावना को आप अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले यानी कि कितना गवर्नमेंट को चॉइस करना है कितना प्राइवेट को चॉइस करना है, इसको चॉइस करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि आपका रैंक कितना है कैटेगरी में और जनरल में, उस आधार पर हम आपको बताएंगे कि 10 कॉलेज अगर आप चॉइस करते हैं तो उसमें से कितना प्राइवेट को चुनना है कितना गवर्नमेंट को चुनना है। जैसे कि मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं लगभग मान लीजिए कि 3640 के आसपास टोटल सीट है, तो इसमें जो है 3640 है तो मतलब कि 3700 के आसपास जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है कन्फर्म है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बशर्ते वो कॉलेज चॉइस पर थोड़ा ध्यान देंगे। वही चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं, अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं, आपका रैंक अच्छा है एनालाइज नहीं करते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं, जो नीचे का स्टूडेंट है वो आपके जगह पर आ सकता है, इसलिए आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, जिसका रैंक ज़्यादा है उसको भी, जिसका रैंक कम है उसको भी। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए हम बेटर लिखे हुए हैं, बेटर है आपका यानी कि 3700 1100 1700 910 या 1500, मतलब जितना सीट है उतना के आसपास रैंक है, जैसे कि 3640 जनरल में टोटल सीट हो गया 9100 का 40%, तो 3700 के आसपास है तो आप बेटर रिजल्ट लाए हैं। 4000 भी है, मैक्सिमम 4000 भी है तो भी बेटर में है आप, तो इसका मतलब है कि आप जो है 100% गवर्नमेंट कॉलेज को ही चॉइस कर सकते हैं, समझिएगा बात को। अगर आपका 3640 सीट है 3700 तक आपका रैंक है या फिर कहें तो 4000 के आसपास आपका रैंक है तो आप समझेंगे कि मेरा बेटर रिजल्ट हुआ है और आप जो है जो कॉलेज एनालाइज करेंगे उसमें से केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज को आप चॉइस कर सकते हैं 100%, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिसका रैंक जो है 1200 है वो क्या करेंगे। अगर दोस्तों 4000 से आपका रैंक ज़्यादा है जनरल में, 4000 से ज़्यादा है और 12000 तक रैंक है तो आप बेस्ट कैटेगरी में हैं,
मतलब कि अगर 10 कॉलेज आप चॉइस करते हैं या 10 कॉलेज चॉइस करने का मौका देता है, तो आप 60% से लेकर 70% तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। यानी कि 10 में से 6 को गवर्नमेंट, 4 को प्राइवेट आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आपका जो मान लीजिए 12,000 से ज़्यादा है या 12,000 के आसपास है, तो कोशिश कीजिएगा कि 60% या 50% ही गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस करें। अगर इससे कम है, 4,000 से ज़्यादा और इससे कम है, 12,000 से कम है, तब आप 60% 70% गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिएगा। इसके बाद गुड, अगर आप गुड हैं तो मतलब कि आपका रैंक 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास है जनरल में। मतलब कि 12,000 से अगर ज़्यादा है, 12,000 से ज़्यादा है और 15 से लेकर के 20 तक है, तो आप गुड में हैं। मतलब आप 40% गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अगर 10 कॉलेज चॉइस करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें से 4 को गवर्नमेंट चॉइस कीजिए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। उसके बाद 5वां, 6ठा से लेकर 10वां तक जो है आप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए। अगर आपका 20,000 से ज़्यादा रैंक है या 20,000 है, तो कोशिश कीजिए कि 10 गो में मात्र 3 गो जो है, मतलब 3% जो है, सॉरी 30% जो है गवर्नमेंट को चुने और बाकी प्राइवेट चुने। ये चीज़ आप समझ गए। अब उसी तरीके से बीसी की बात करते हैं। बीसी में टोटल कितना सीट है दोस्तों? 1092 के आसपास सीट है। और हैंडीकैप स्टूडेंट SMQ कोटा जो है, उसको क्षैतिज आरक्षण जो है मान लीजिए कि मिला हुआ है, तो उसका जो सीट इसी में से कैंसिल कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो है बीसी से 1100 के आसपास या 1200 के आसपास रैंक है, तो आप बेटर रिजल्ट लाए हैं, आप 100 में 100 गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट कैटेगरी में हैं, मतलब कि 3,000 से कम है, 3,000 से नीचे हैं, तो आप बेस्ट कैटेगरी में हैं, 60% 50% या 70% भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउट नहीं होता है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर किया है, तो सेकेंड राउंड में आप कॉलेज चॉइस को बदल सकते हैं। नोटिस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मनपसंद नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। अगर कॉलेज अलाउट ही नहीं होता है, तब आप कॉलेज चॉइस को बदल सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलाउट होता है, पसंद नहीं आता है, तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगले राउंड में शामिल होने के लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड अप का और कॉलेज चॉइस में परिवर्तन का, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड के लिए आप थोड़ा सा जो है एफर्ट लगा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की ओर। अगर आपका 3,000 या 3,000 से नीचे हैं, तो आप 60% 70% तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा है, 3,000 से ज़्यादा है, 4,500 है, 5,000 के आसपास है, या फिर कहे तो 4,000 है, तो आप जो है 10 गो में 4 गो गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस कीजिए, बाकी 6 गो जो है प्राइवेट कॉलेज चॉइस कीजिए। वो कैसे चॉइस करना है, आपको देखना है कि किसमें कितना सीट है। आप जो जो है कॉलेज की सूची बनाएंगे, 15 से 20 कॉलेज की सूची, आपको ये भी देखना है कि जो हम कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें सीट मैक्सिमम है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 59 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक कॉलेज में लगभग जो है 150 सीट के आसपास है। टोटल जो है कितना है, 9100 सीट है, ठीक है। अगर हम इसको 60 मान लेंगे, तो 15 × 6 = 90, मतलब कि हो जाएगा 150। तो अगर आपको 20 कॉलेज चॉइस करने का मौका मिलता है, तो इसका मतलब 150 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इसका मतलब है, अगर आप 20 कॉलेज को चॉइस करते हैं और एक कॉलेज में 150 सीट मान करके चलेंगे, तो आप मात्र 3,000 सीट पर ही दावा कर रहे हैं। बाकी जो 6100 सीटें बच जाता है, आप उस पर दावा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 20 कॉलेज का चॉइस करने का ऑप्शन मिला, तो 20 कॉलेज में जितना सीट है उसी कॉलेज पर ना हम दावा करेंगे, उसी सीट पर ना हम दावा करेंगे। अब बाकी जो 40 गो 39 गो जो कॉलेज बच जाता है, उसमें तो हम कॉलेज चॉइस नहीं किए, नहीं किए तो उस सीट पर मेरा दावा नहीं है। तो हम जो 20 कॉलेज को चॉइस करेंगे, मेरा कोशिश ये रहना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो, तभी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर जो है दावा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें हम समझ करके जो है ये आपको डेटा बता रहे हैं। अब दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप EBC कैंडिडेट हैं,
इसमें कितना सीट है, इसमें सीट है 1638, ठीक है। तो 1700 या 1800 के आसपास है, तो आप 100 में 100 गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। एक दो कॉलेज जो आप प्राइवेट दे सकते हैं। अगर आप बेस्ट कैटेगरी में हैं, मतलब कि ईबीसी में आपका 1800 से ज़्यादा रैंक है, 1800 से लेकर के 5000 तक रैंक है, तो आप बेस्ट कैटेगरी में हैं। 60% 70% तक आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, बाकी प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए। 5000 के आसपास है तब तो 50% 60%। अगर जो है 1800 से ज़्यादा, मतलब कि 2000 है, 3000 है, 2500 है, तब आप 60% यूज कीजिए। इसके बाद अगर आप गुड में हैं, मतलब 5000 से लेकर के 6500 तक हैं, तब जो है आप 40% मात्र जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए। अगर आपका जो है 7000 से ज़्यादा है, तो आप जो है मात्र 10 में तीन ही को कॉलेज जो है गवर्नमेंट को चॉइस कीजिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 910 सीट है इसमें, तो 1000 तक मान करके चल सकते हैं, 950 मान करके चल सकते हैं। आप जो है 950 रैंक के अंदर है अपनी कैटेगरी में, तो आप केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा तो लेंगे एडमिशन, नहीं तो नहीं लेंगे एडमिशन। तो इस कंडीशन में आप केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चॉइस कीजिए, अगर आपका रैंक अच्छा है तो। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे बेस्ट रिजल्ट में। अगर आपका 1000 से 2000 के बीच में रैंक है, तो 60% 50% 70% गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, बाकी आप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए। अगर आपका जो है 2000 से ज़्यादा है, 3000 है, 3500 है या 2500 है, तब आप जो है 40% गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, मतलब 10 में 4, बाद बाकी आप प्राइवेट को चॉइस कीजिए। अगर इससे ज़्यादा है तब तो आप 30%, मतलब 10 में 3 जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए और 7 जो है प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए। एससी कैंडिडेट हैं तो 1500-1600 रैंक तक है, तो आप 100 में 100 गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है, 3000 रैंक तक है, तब आप जो है 10 में 6 या 5 या 7 आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, उसके बाद सबसे नीचे प्राइवेट कॉलेज को। इसके बाद दोस्तों अगर आपका 3000 से ज़्यादा है, 4000 है, 3500 है, 5000 है, 5500 है, तब जो है आप इस कंडीशन में 40% ही गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, बाकी आप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाना है तो। अगर आपका इसमें देखिए इस कैटेगरी में आपका 6000 से ज़्यादा रैंक है या 6000 के आसपास है, तो आप 10 में 3 गवर्नमेंट कॉलेज दीजिए, बाद बाकी प्राइवेट कॉलेज दीजिए, तब आपका फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसी तरीके से एसटी है, अगर आपका 90 से लेकर 100 तक रैंक है, तो आप 100 में 100 गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अगर जो है 100 से लेकर 250 तक है, तो आप 70% 60% 50% जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, बाद बाकी प्राइवेट। अगर आपका इससे ज़्यादा है, 350 तक यह है या फिर 400 तक रैंक है, तो आप जो है 10 में 4 गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, बाद बाकी प्राइवेट को। अगर इससे ज़्यादा है तो 3 चॉइस कीजिए गवर्नमेंट, बाद बाकी प्राइवेट चॉइस कीजिए। अगर आप WBC फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या करना है, 300 तक रैंक है, तो आपको केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चॉइस करना है। आपका चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज 300 रैंक तक है, तो आपको अलॉट हो सकता है, क्योंकि 270 के आसपास जो है इसमें सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपके एरिया में जो कॉलेज है वहाँ पर संख्या ज़्यादा है, स्टूडेंट का सीट कम है, तो अच्छा रैंक रहने, कम रैंक रहने के बावजूद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और जहाँ पर जो है कंपटीशन कम है, सीट बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट बहुत कम चॉइस करता है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा रैंक रहने के बावजूद भी आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसलिए जो है ये वेरिएशन आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बेस्ट कैटेगरी में हैं, अगर आप WBC कैंडिडेट हैं, 900 तक रैंक है, मतलब कि 300 से लेकर के 900 के बीच है, तब आप 60% 50% 70% गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, बाद बाकी प्राइवेट कॉलेज को चॉइस करेंगे। अगर आपका WBC से 900 से ज़्यादा रैंक है, तब आप 40% गवर्नमेंट को चॉइस कीजिए, बाकी प्राइवेट चॉइस कीजिए। अगर आपका 1500 से भी ज़्यादा रैंक है WBC में, तब आप जो है 10 में 3 गवर्नमेंट चॉइस कीजिए, बाद बाकी प्राइवेट चॉइस कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो है आपका एनालिसिस जो है
जितना आप एनालाइज करेंगे ना, उतना आप अपने चांस को बढ़ा सकते हैं, नज़दीक ले जा सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% जो हम आपको बताए हैं वो अलॉट हो ही जाएगा, वो हम आपको चांस बताएं, आप अपने चांस को 100 तक कैसे ले जा सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप था हम आपको बताए, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आप सभी को एनालाइज करके बताए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रैंक तक जा रहा है, वो चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो को, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कॉलेज च्वाइस करने में जल्दबाजी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है, एनालाइज कर लेना है, जिससे कि आपकी आपसे जो है गलती ना हो। गलती अगर हो जाती है तो कॉलेज च्वाइस में जैसे गलती हो गई, अब तो आपको अलॉटमेंट का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उस समय आपको दिक्कत ना हो कॉलेज अलॉटमेंट में। ठीक है, तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करें। अगर 20 कॉलेज को ही हम च्वाइस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कॉलेज को च्वाइस करेंगे जहाँ पर सीटें ज़्यादा हो, जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, जहाँ पर जो है स्कूली व्यवस्था अच्छा हो, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, आगे और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो लाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते नए साथी हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।